हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोस से आपको काफ़ी मदद मिल रही होगी। आज हम प्रश्नमाला 4.1 को हल करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है कि किस मान के लिए इस सारणिक का मान शून्य होगा, यानी कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि इस सारणिक का मान शून्य है, तो इसे हल करके हमें के का मान ज्ञात करना है। अब ये सारणिक का ऑर्डर है 2×2, जिसको हल करना हम लोगों ने सीखा है कि इसके अग्र विकर्ण का गुणा माइनस इसके पश्च विकर्ण के एलिमेंट का गुणा इक्वल 0, जिसको हल करने पर -3 के का मान आएगा 8, यानी के का मान प्राप्त होगा -8/3। बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सारणिक का मान 0 हो तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए, जिसे हम कुछ इस प्रकार हल करेंगे। प्रश्नानुसार जो सारणिक है उसका मान दिया गया है 0। 2×2 की सारणिक है, जिसके अग्र विकर्ण का गुणा 4x, पश्च विकर्ण का गुणा 2y -=0। तो इसका मतलब 4x का मान हमें प्राप्त होगा 2y। अब y को LHS में ले आए और 4 को ले गए RHS में। इस आधार पर x अनुपात y आया LHS में, और 2 में 4 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1/2, यानी 1:2, जो कि आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दो सारणिक दिए गए हैं, उनके मान इक्वल दिए गए हैं 4 और 7, तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो इसको कुछ इस प्रकार हल करेंगे, लिखेंगे प्रश्न अनुसार दो सारणिक हमने नोट कर ली। पहली सारणिक को जब मान ज्ञात करते हैं तो अग्र विकर्ण का गुणा आएगा 2x और पश्च विकर्ण का गुणा आएगा 3y, तो 2x-3y=4, इसको लगा दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी सारणिक कॉल करते हैं तो 2x-4y=7 में आ जाएगा 7, इसको लगा दिया समीकरण नंबर। अब इस x और y वाली युगपत समीकरण को हल करते हैं। इसके लिए समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। तो इसके जो LHS वाले मान हैं उनका अंतर ले लिया, इक्वल इनके RHS के मान का अंतर ले लिया। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से y का मान प्राप्त होगा -3, जिसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में जैसे ही मान रखेंगे तो आएगा 2x-3×-3=4, जिसको हल करने पर x का मान हमें मिलेगा -5/2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में x और y के मान हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक सारणिक का मान 0 के इक्वल दिया गया है और हमें x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है ये, तो इसकी शुरुआत करते हैं। लिखते हैं प्रश्न अनुसार सारणिक x-1, x-2, x-3=0, इसको हल करते हैं तो अग्र विकर्ण में एलिमेंट का गुणा आएगा x-1 और x-3, और पश्च विकर्ण में x और x-2, बीच में माइनस और इक्वल में 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहले जो दो एलिमेंट है इनका गुणा बनेगा x²-4x+3, और बाद वाले दो का गुणा विद माइनस बनेगा -x²+2x=0। इस आधार पर x² से x² कैंसिल, तो बाकी बचेगा -2x+3=0, जिसको हल करने पर प्राप्त होगा x का मान 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन है निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के जो एलिमेंट है उसकी उपसारणिक और सेकंड लिखिए और उसके बाद सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट है जिसमें दी गई सारणिक को मैं ए मान लेता हूँ, यानी सारणिक ए। अब इसका जो पहला स्तंभ है उसमें एलिमेंट हैं 1, 4 और 3, जिनके संगत मुझे उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हैं, और इन एलिमेंट का एड्रेस है a11, a21 एंड a31, जिसके आधार पर इनकी उपसारणिक बनेगी a11, a21 एंड a31। तो इनकी उपसारणिक का मान ज्ञात करते हैं।
अब जो फर्स्ट एलिमेंट वन है उसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं, जो शेष बचेगा वो है माइनस एक, दो और पाँच और दो से बनी हुई सारणिक, जिसका मान ज्ञात करते हैं तो माइनस दो माइनस दस इक्वल माइनस बारह। इसी प्रकार दूसरे एलिमेंट के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं तो शेष सारणिक बचेगी माइनस तीन, दो, पाँच और दो से बनी हुई एक सारणिक, जिसको हल करने पर उत्तर आएगा माइनस छः माइनस दस यानी माइनस सोलह। इसी प्रकार तीसरे एलिमेंट तीन के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को हटा देते हैं तो शेष माइनस तीन, दो, माइनस एक और दो से बनी हुई सारणिक, जिसका मान आएगा माइनस छः प्लस दो यानी कि माइनस का चार। अब हम सहखंडों के मान भी इसी के साथ यही ज्ञात करते हैं, जो होंगे एफ वन वन, एफ टू वन एंड एफ थ्री वन। उन्हें ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब हमें जो इसका पहला स्तंभ है उसके आधार पर इसके चिन्ह बनाने हैं, प्लस माइनस और प्लस। तो जो ये एफ वन वन बनेगा ये आएगा ए वन वन, एफ टू वन बनेगा माइनस ए टू वन और एफ थ्री वन बनेगा प्लस ए थ्री वन। इस आधार पर इनके जो उत्तर आ जाएंगे वो आएंगे माइनस बारह, प्लस सोलह और माइनस चार। ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट था जिसमें हमने पहले स्तंभ के जो एलिमेंट है उसके संगत उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हमारा अगला कार्य सारणिक का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमने पढ़ा है कि यदि किसी सारणिक के संगत सहखंड किसी भी पंक्ति या स्तंभ के संगत सहखंडों का गुणा उसके संगत एलिमेंट के साथ करके योग कर दिया जाए तो हमें सारणिक का मान मिलता है। इस प्रकार हमने जो मान ज्ञात कर रखे हैं F11, F21 और F31, उसके साथ हम F A11, A21 और A31 एलिमेंट का गुणा करके योग करने वाले हैं। तो यहाँ पर आएगा एक गुणा माइनस बारह, प्लस चार गुणा में सोलह और तीन गुणा में माइनस चार, जिसको हल करने पर उत्तर प्राप्त होगा चालीस। इसी प्रकार इसके दूसरे पार्ट में दिए गए सारणिक को हमने ए मान लिया, जो कि कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें पूर्व की भांति ही पहले स्तंभ के एलिमेंट के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात करते हुए सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो पहले स्तंभ के एलिमेंट हैं ए, एच और जी। तो इन एलिमेंट के संगत जो उप सारणिक बनेंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे ए वन वन, ए टू वन और ए थ्री वन। और पूर्व की भांति ही उनसे संबंधित सारणी कुछ इस प्रकार मिलेंगे। और इन सारणिकों को हल करने पर हमारे पास आएगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर, सी एच माइनस एफ जी और एफ एच माइनस बी जी। इसी प्रकार जो इनके सहखंड है उन्हें भी ज्ञात करते हैं। एफ वन वन का मतलब आएगा ए वन वन, एफ वन टू का मतलब सॉरी टू वन का मतलब माइनस ए टू वन और एफ थ्री वन का मतलब आएगा ए थ्री वन। इस आधार पर एफ वन वन का मान हमें प्राप्त होगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर, एफ टू वन का मान हमें मिलेगा एफ जी माइनस सी एच और एफ थ्री वन का मान हमें मिलेगा एफ एच माइनस बी जी। तो इस प्रकार हमने उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कर दिए। और अब सारणी के का मान, जिसका सूत्र कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ आपको इस पैटर्न पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ इनके नीचे वाले मान यानी आई जे हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो इसका मान कुछ इस प्रकार बनेगा ए इंटू बी सी माइनस एफ स्क्वायर प्लस एच इंटू एफ जी माइनस सी एच प्लस जी इंटू एफ एच माइनस बी जी।
जिनका गुणा करते हैं तो आएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर प्लस एफ जी एच माइनस सी एस स्क्वायर प्लस एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर। थोड़ा ठीक करके लिखें तो ए बी सी एफ जी एच के दो पद हैं, इस आधार पर यहाँ पर बन जाएगा प्लस टू एफ जी एच, फिर माइनस ए एफ स्क्वायर, फिर माइनस बी जी स्क्वायर और फिर माइनस सी एस स्क्वायर को लिखा, तो इस प्रकार से ये आपकी सारणी के का मान मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें एक सारणिक का मान ज्ञात करना है। अब 3×3 सारणिक को हल करने की हमने 7 विधियां सीखी हैं, किसी भी पंक्ति, किसी भी स्तंभ या सारूश चित्र विधि। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम उसी पंक्ति या उसी स्तंभ का उपयोग करते हैं जिसमें अधिकतम संख्या में शून्य हो। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसके अंदर दूसरी पंक्ति में भी 2 शून्य हैं और तीसरे स्तंभ में भी 2 शून्य हैं। तो इस प्रकार आप दूसरी पंक्ति या तीसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके इस सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, तीसरे स्तंभ यानी C3 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो इस सारणिक का मान यानी कि डेल्टा में कुछ इस प्रकार मिलेगा। जो तीसरा स्तंभ है उसमें एलिमेंट है 1, 0 और 0, और आपको वो सिस्टम बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस वाला, जिसमें आखिरी स्तंभ जो है उसमें है प्लस माइनस और प्लस। इस आधार पर एक का चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब एक के संगत पंक्ति और स्तंभ को हटा दिया तो हमारे पास बचा 5, 0, -10 और 3 से बनी हुई सारणिक। इसी हिसाब से ये 0, -0, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाया तो बचेगा 3, -11, -10 और 3। इसी हिसाब से आखिरी 0, इसका चिन्ह नहीं बदला और इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाया तो बचा 3, -11, 5 और 0। अब इसमें बात जो गौर करने वाली है कि इस सारणिक का मान चाहे कुछ भी आ जाए 0 से गुणा होके 0 बनेगा। ठीक इसी प्रकार इस सारणिक का मान चाहे कुछ भी आ जाए 0 से गुणा होके 0 बनेगा। तो मैं आज के बाद जिस सारणिक में शुरुआत में 0 से गुणा हो रहा होगा या जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में जो 0 होगा उसके संगत वाला मान मैं पहले ही 0 कर दिया करूँगा इस प्रकार से। बाकी जो बचा वो मान उसको हल करते हैं तो आएगा 1 × 1 इसके साथ बचा 15 - 0, तो यानी ओवरऑल आंसर बन जाएगा 15, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आप चाहे किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका विस्तार करें, इसका उत्तर सदैव एक जैसा आएगा, लेकिन चुनाव उसी का करें जिसमें अधिकतम संख्या में 0 मौजूद हों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि सारणिक का जब मान ज्ञात करेंगे तो उत्तर आएगा 1 + a² + b² + c². इसको हल करने के लिए मैं ले रहा हूँ LHS, जिसे हम सारूश विधि से हल करने वाले हैं, जिसमें पहले 2 स्तंभों को हम एज इट इज लिख देंगे। इसके बाद इसके अगर 3 विकर्णों का गुणा करके उनका योग करेंगे तो उसका उत्तर कुछ इस प्रकार आएगा 1 - ABC + ABC। इसके बाद इसके पश्च विकर्णों का गुणनफल करके योग करेंगे तो हमें कुछ उत्तर इस प्रकार मिलेगा -B² - C² - A² ABC से ABC कैंसिल कर दिया, बाकी को हल करेंगे तो आएगा 1 + a² + b² + c², जो कि आपकी RHS है। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्नमाला को पूर्ण कर लिया। ठीक इसी तरह इसके उदाहरण भी हल कर लेते हैं। इसके पहले 3 उदाहरणों में हमें 3 सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं, जो कि कुछ इस प्रकार, जिसका हल आएगा -6 - -8 यानी -14। बहुत ही आसान था। उदाहरण नंबर 2 में कुछ इस प्रकार की सारणी का, जिसमें साइन थीटा और कोस थीटा एलिमेंट के रूप में हैं, तो वही जैसे पहले करते आ रहे हैं, अगर विकर्णों का गुणा माइनस पश्च विकर्णों का गुणा, पश्च विकर्ण में माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये ओवरऑल बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान होता है 1। इसी तरह उदाहरण नंबर 3, जिसके तीसरे स्तंभ में 2 शून्य मौजूद हैं, तो हम इसका तीसरे स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करके इसका मान ज्ञात करेंगे।
तो माइनस एक, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाया तो हमारे पास सारणी का आएगी 5, 2, 10 और 3। फिर उसके बाद जो दो शून्य है उनके संगत कोई भी सारणिक बने, लेकिन उत्तर बनेगा 0। इस आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा -1, 15 - 20 = 5, आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट दो एग्जांपल में आपको एक अज्ञात राशि के एक मान ज्ञात करना है जिसके लिए सारणिक कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। इस प्रकार सारणिक है तो इसको हल करते हैं। तो सारणिक को जब हल करेंगे तो आएगा 4k - 16 और इक्वल में दिया गया 4, जिसको हल करने पर हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा 5। इसी प्रकार एग्जांपल नंबर 5, इसमें सारणिक को जब मान ज्ञात किया तो आया k² + 3 और इक्वल में दिया गया 7। तो इस आधार पर k² का मान आ जाएगा 4, जिसके आधार पर k का मान आ जाएगा ±2, आपका फाइनल आंसर। उदाहरण नंबर 6 कुछ ऐसा है, ठीक इसके जैसा क्वेश्चन हमने प्रश्नमाला 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, जिसमें हमने पहले स्तंभ के एलिमेंट के सापेक्ष उपसारणिक और सहखंड लिखकर सारणिक का मान ज्ञात किया था। इस एग्जांपल में हमें दूसरी पंक्ति के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं और उसके पश्चात सारणिक के मान भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसको हमें कैसे हल करना है। दूसरी पंक्ति के एलिमेंट हैं 8, 5 और 2, जिनके एड्रेस हैं A21, A22 एंड A23। तो इनके उपसारणिक जो बनेंगे उनके एड्रेस भी कुछ इसी प्रकार होंगे A21, A22 और A23। अब A21 को ज्ञात करने के लिए दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाने पर हमें मिलेगा 4, 1 और 3, 7 से बना हुआ सारणिक। इसी प्रकार 8, 2, 2 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाने पर मिलेगा जो सारणिक। इसी प्रकार 8, 2, 3 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाने पर मिलेगा सारणिक 2, 4, -1 और 3, जिनके मान आएंगे 28 - 3 = 25, इसका मान आएगा 15 और आखिर वाले का मान आ जाएगा 10। इसी प्रकार हम सहखंड ज्ञात करते हैं जिसके लिए मैं आपको पहले ही सिस्टम बता चुका हूँ, ±++, ±++, और ±+। अब हमारे पास जो दूसरी पंक्ति है उसके आधार पर चिन्ह हमें लिखने हैं -++ और -, यानी F21 का मान आएगा -A21, F22 का मान आएगा A22 और F23 का मान आएगा -A23, जो कि मान हमने पहले से ज्ञात कर रखे हैं। तो उत्तर बन जाएगा -25, +15 और -10। अब इसी प्रकार सारणिक का मान, सारणिक A बनेगा A21 × F21 + A22 × F22 + A23 × F23, जिसे हल करने पर 8 × -25, 5 × 15 और 2 × -10 मिलेगा, जिसको हल करने पर उत्तर प्राप्त होगा -145। आगे है उदाहरण नंबर 7, जिसमें हमें एक सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो इसे हल करने के लिए हम दूसरी पंक्ति का इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि उसमें अधिकतम संख्या में शून्य हैं। इस आधार पर मैं लिख रहा हूँ R2 के अनुदिश प्रसार करने पर, और फिर इसका करते हैं प्रसार, तो यहाँ पर आएगा -5, -5 इसका जो चिन्ह है वो होता है, उसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हटाया तो बाकी बचेगा -7, 13, 11 और 2 से बनी हुई सारणिक, और बाकी सभी मान हमें पता है 0 हो जाएंगे क्योंकि बाकी एलिमेंट इसके 0 हैं। इस आधार पर ये आएगा -5, -14
-143, जिसको हल करने पर हमें उत्तर मिल जाएगा 785। इस प्रकार आपकी उदाहरण और एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।